मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन महानगर का जलभराव से निजात दिलाने के लिए वृहद कार्य योजना तैयार कर रहा है, जिसके तहत गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा महानगर का लेजार्ड सिस्टम से सर्वे कराया जाएगा, जिससे महानगर की भौगोलिक स्थिति का सत्यापन करके जलभराव की समस्या से निजात दिलाया जा सके। जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने बताया कि महानगर के जलभराव को लेकर मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर हैं, जिसको लेकर कार्य योजना तैयार कर ली गई है और जल्द ही सर्वे कर काम को पूरा करके महानगर को जलभराव की समस्या से मुक्ति दिलाई जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी के विजयन पांडियन ने कहा, का जो भौगोलिक स्थिति देखेंगे ये 75 मीटर मीन सी लेवल है, बट वो नदी इस समय में 79 कहीं 80 मीन सी लेवल में चल रहा है। यानी जो हम लोग का जो एवरेज औसत जो एवरेज का वो है मीन सी लेवल है, उससे नदी ऊपर है। उसकी वजह क्या होता है, 3 महीने हम लोग लगातार जो बरसात के समय में हम लोग उसका पानी का पंप करा के बाहर नदी पे फेंकते हैं। यूजुअली जो 10-15 जो पंप का लाइन लगी हुई है उधर से पंप होता है, फिर यहाँ का रामगढ़ ताल है, सिटी का 2-3 जगह पानी जमा होता है, वो धीरे धीरे करके एक मोहल्ले से दूसरा ऐसे निकलता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं ताकि ये भी कभी भी इसको ढंग से स्टडी नहीं हुआ है, यानी भौगोलिक स्थिति का शामिल करते हुए योजना बनना नहीं बनाएंगे कि पानी के निकासी के कभी भी कोई हम लोग सोल्यूशन नहीं निकल पाएंगे। इसलिए तो जीडीए के माध्यम से हम लोग पहल किए थे, लेडार सर्वे जो लेज़र इंटेंसिव सर्वे है उसी के माध्यम से 1 साल पहले यहाँ आकर के पूरे सर्वे हो चुकी है, उसका प्लानिंग भी बन गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष अभी तो 1 सप्ताह के अंदर उसका प्रेजेंटेशन होगा। उस पर क्या है, जो आगे 2 साल कम से कम 2 साल के अंदर ये गोरखपुर का जो पानी का निकासी के लिए सभी विभाग मिलकर काम करेंगे, यानी एक बड़ा एक मास्टर योजना हम लोग का हाथ में आ जाएगा। हर गली में, हर नाली में और हर वार्ड का पानी कैसे निकलेगा, किस तरफ निकलेगा, किस डाल की तरफ निकलेगा, उसका फिर उसका क्षमता के हिसाब से एसटीपी लगाना, उसके क्षमता के हिसाब से पंप लगाना है, उसी का जो क्षमता के हिसाब से नाली नाला बनाना है वो पूरा डिफाइन करके डीपीआर बन जाएगा। उसका नगर निगम और यहाँ का जीडीए और अवस्थापना मद में जो पैसा आता है, फिर 14वित्त राज्यवित्त और कहाँ कहाँ सरकार के माध्यम से अर्बन डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है, सारे सम्मिलित करते हुए इसको लगाया जाएगा। ये 2 साल के अंदर यानी 2022 तक का जो समस्या जो गोरखपुर का हमेशा के लिए आप तो देख ही रहे हैं, इस पर जनता परेशान रहते हैं, ये दूर हो जाएगा। उसका पहल इस साल है, अभी तो इसी महीने में ही शुरू होने जा रही है। हम उम्मीद करेंगे इस बारिश खत्म होने के बाद तुरंत हम लोग इसका काम में लग जाएंगे। कम से कम अगले साल आपको अच्छा खासा राहत मिलेगा, 2022 में जो कितने समस्या है पूरा मुक्त हो जाएगा, उसी दिशा पर हम जा रहे हैं।